सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। स्टार प्लस के शो एक भ्रम सर्वगुण संपन्न में चल रहा है टशन पूजा और कबीर के बीच, और ये टशन इस बात पे है कि कौन पूजा की माँ को पहले ढूंढता है। हालांकि दो बार कबीर ही कामयाब होता है। दरअसल पूजा की माँ कबीर के चंगुल से भाग गई है और कबीर उन्हें कहीं से ढूंढकर वापस किडनैप कर लाता है और पूजा को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पर कबीर के दादाजी को ये बात पता चल जाती है। कबीर के दादाजी और पूजा की माँ के बीच एक छोटी सी झड़प भी हो जाती है, जिसमें पूजा की माँ दादाजी को झंझोड़ने लगती है और पूछती है कि पूजा कहाँ है बताओ। फिर कबीर आके उन्हें दूर हटाता है और फिर सोनाली पूजा की माँ को कमरे में रोक के रखती है, पर सोनाली को धक्का देकर पूजा की माँ बाहर निकल जाती है। इसके बाद दादाजी सच बताने जाने लगते हैं तो उन्हें रोका जाता है। आइए कबीर से ही जानते हैं इसके बारे में। वेल होता यही है कि हम लोग की हल्दी चल रही होती है, इस दौरान दादू रूम में जाते हैं, जो हमारी जो हम प्रिटेंड कर रहे हैं कल्याणी बुआ, वो ऑब्वियसली पूजा शर्मा की माँ है। और ये बात सिर्फ मुझे पता है, सोनाली को पता है, मॉम को पता है, और दादू अभी एक पर्दे में है इस चीज़ में। तो जब जाते हैं रूम खोल के तो देखते हैं कि कल्याणी रिप्लाई नहीं कर रही है, तो बाद में देखते हैं कि वो तो पूजा शर्मा की माँ है, तो उनके लिए एक शॉकर होता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि दादू प्लीज़ मैं एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, और एक बार अगर उन्हें लगता है कि चीज़ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्रॉब्ली ही कैन गो एंड टेल पूजा अबाउट इट। तो वही सीक्वेंस है मेजरली, दादू और मेरा, एंड वो रेवलेशन ना हो जाए एकदम से। और पूजा दादू के पास आती है, वो बोलती है कि दादू प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरी माँ का एड्रेस वगैरह, जो व्हाटएवर इट इज़, वेयरएवर शी इज़, एंड मैं बच रहा हूँ बिकॉज मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि एक बार शादी हो जाए, उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो मैं अपने तरीके से करूँगा उसको। दादू ने मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दिया है कि ठीक है, अगर बात समझाने की बात है तो ठीक है मुझे बता दो, बट अगर मेरे बात अगर मैं कन्विंस नहीं होता तो मैं सारी चीज़ें पूजा को बता दूँगा। तो वही एक दादू डाइसी एक सिचुएशन में है इस फाल कि किसकी सुने, खुद तो नहीं बताएंगे बिकॉज वो ऐसी बेहोशी की हालत में हैं, थोड़े पागलपन वाले स्टेट में हैं। तो इसीलिए हमने उनको एक रूम में बंद करके रखा है, बट हम लोग पूरी उनको ऐसा नहीं है कि उनको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पूरी देखभाल कर रहे हैं, उनको मेडिसिन टाइम से दे रहे हैं। तो मैंने सोनाली को अपॉइंट कर रखा है कि भाई तुम सारी चीज़ों का ख्याल रखोगी, सो आई थिंक या ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। नहीं, ऑफकोर्स जो भी मैं कैरेक्टर करता हूँ मैं इन्जॉय ज़रूर करता हूँ, जितना भी है, जितना मेरे लिए है, जितना नहीं है, तो आई थिंक इफ एन एक्टर इन्जॉयज़ व्हाट ही डज, आई थिंक हाफ ऑफ द जॉब इज़ डन, तो बाकी तो फैंस लोग कर ही देते हैं। सो या उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। This is Zain Imam and you're watching me on India Forums and do subscribe their YouTube channel.